काट दे। चले दुआ मांगे, दुआ मांगे। सांगम जी, मैंने आज धोराजी सोसाइटी कराची में MMQ डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह किया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहती हूँ हाजी मोहम्मद कासिम साहब और उनकी पूरी फैमिली को, जिन्होंने खिदमत खल का जज्बा रखते हुए धोराजी के इलाके में आम अवाम, गरीब अवाम, मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बड़ी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते, उनके लिए उसी स्टैंडर्ड का एक हाई टेक यहाँ पर इंतज़ाम किया है, जिसके अंदर डायग्नोस्टिक्स है, फार्मेसी है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, OPD है, और अनकरीब वो अपने ऑपरेशन थिएटर और इन हाउस एडमिशन का भी आगाज़ करने वाले हैं। देखिए, इस वक्त सूबे के अंदर हम सब जानते हैं कि हेल्थ क्राइसिस है, हमारी हुकूमत की तरफ से दिए गए अस्पताल नाकाफ़ी हैं। इस सूरत हाल में इसी तरह के मोहम्मद कासिम साहब और उनके अहलोयाल की तरह की फैमिलीज़ को मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी आगे आएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर ज़रूरत है, और कराची में शायद इस वक्त कोई ऐसा इलाका है जहाँ गरीब के लिए सेहत और तालीम की ज़रूरत नहीं है, हर जगह ज़रूरत है। तो आप सब भी इनको मुबारकबाद भी देती हूँ, उम्मीद भी रखती हूँ कि लोग इनसे इंस्पायर होकर इसी तरह पाकिस्तान के अंदर, अपने सूबे सिंध के अंदर, अपने शहर कराची के अंदर खिदमत खल के जज्बे को आगे रखते हुए ऐसे तालीमी और सेहत के मराकज़ कायम करेंगे जिससे आवाम को डायरेक्ट सहूलियात होंगी। इस इलाके में आवाम के लिए ये एक बेहतरीन तोहफा है, एक इंतहाई कम कीमत पर बेहतरीन सेहत की सहूलियात किसी भी तरह एक मुआवजे से कम नहीं है। अल्लाह पाक इनको और सलाहियत दे, इनको और हिम्मत दे, इनको और हौसला दे, और हुकूमती तमाम इदारों से भी मेरी गुजारिश होगी, मैं ख़ुद भी इनको सपोर्ट करूँगी कि कहीं पर भी इनको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े इस कार्य खैर को अंजाम देते हुए, और ये इदारा बेहतरीन काम करे आवाम के लिए और आगे बढ़े। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुजाहिद हुसैन काजमी है और मैं यहाँ MMQ मेडिकल सेंटर में एज ए मेडिकल डायरेक्टर हूँ, और आज 27 जून को हमने 2 दिन के लिए फ्री मेडिकल कैंप रखा था, जिसमें हमने मेहमान खुसूसी के तौर पे मिस सिद्रा इमरान, मेंबर पार्लियामेंट असेंबली सिंध, उनको मदु किया था, और यहाँ हमने 2 दिन मतलब ये टेस्ट फ्री रखा है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ टेस्ट और मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से हमने फ्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी हमने रखी है, और ये 28 जून तक ये कैंप जारी रहेगा।